दोस्तों इंसान को गलतियों का पुतला कहा जाता है, पर इंसान को उसकी एक गलती की ज्यादा से ज्यादा कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्या आपने कभी इस बारे में जानने की कोशिश की है? अगर नहीं जाना तो आज हम ऐसी घटनाओं के बारे में जानेंगे जब इंसान की एक छोटी सी गलती अरबों खरबों की साबित हुई। दोस्तों आज हम मानव इतिहास की सबसे महंगी गलतियों के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे यूनिवर्स एडवेंचर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल आइकन को दबा देना जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। लेट्स बिगिन। इंग्लैंड में रहने वाली और काम करने वाली एक महिला हर हफ्ते लॉटरी का टिकट निकाल के अपने नसीब को आजमाती थी, इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन उसे लॉटरी लगे और वो अमीर हो जाए। हर खरीदे गए टिकट का वो नंबर एक कागज पे लिख के रखती और जब उस लॉटरी के नंबरों को टीवी पर दिखाया जाता तब वो नंबर चेक करती थी। 2010 के एक दिन वो लॉटरी के रिजल्ट्स देखने के लिए टीवी के सामने बैठी। उसे पता चला कि उसने लॉटरी जीत ली है। उसने लॉटरी में 1100 करोड़ रुपए जीत लिए थे। उसने जल्द ही जाके ये बात अपने पति को बताई, पर पति बेहद हैरान रह गए क्योंकि उसने सारे लॉटरी के टिकट्स कचरा समझ के कूड़े में फेंक दिए थे, जिसकी वजह से वो कभी भी अमीर नहीं बन पाए। अगर आप रेगुलरली इंटरनेट यूज करते हो तो आपको पता ही होगा कि आज के दिनों बिटकॉइन इस ऑनलाइन चलन की क्या अहमियत है, एक बिटकॉइन खरीदने के लिए लोग कितने उतावले हैं। पर अगर मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊं कि जिसने 7500 बिटकॉइन गलती से फेंक दिए तो आप क्या कहोगे? आईटी कंपनी में काम करने वाले जेम्स होवेल ने 2009 में 7500 बिटकॉइंस खरीद लिए थे। उस वक्त बिटकॉइन की कीमत ना के बराबर थी, इसीलिए जेम्स ने बिटकॉइन जमा की हुई दस्तावेज वाली ड्राइव को संभाल के नहीं रखा और गलती से कहीं फेंक दी। पर उसके 4 साल बाद 2013 में उन 7500 बिटकॉइंस की कीमत होती थी $7.5 million, यानी कि करीब 50 करोड़ रुपए, और आज तो इसकी कीमत इससे भी 200 गुना ज्यादा है। तो सोचिए जेम्स ने वो ड्राइव फेंक के कितनी बड़ी गलती की, उसकी ये गलती उसे अरबों का नुकसान देके गई। अगर आप काफी पुराने इंटरनेट यूजर हो तो आपने excite.com के बारे में तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो आपको बता दें कि ये एक टेक कंपनी थी। जब याहू इस दुनिया का सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला सर्च इंजन था तब excite.com दूसरे नंबर पर था। उसी वक्त इस कंपनी को गूगल को खरीदने की ऑफर दी गई थी और ये डील थी सिर्फ 48 करोड़ रुपए की। पर उस वक्त के excite.com के सीईओ जॉर्ज बेल ने गूगल को खरीदने से मना कर दिया, पर मिस्टर बेल की ये सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि जो कंपनी उस वक्त 48 करोड़ रुपए में मिल रही थी आज उसकी कीमत 32 लाख करोड़ रुपए है, और शायद ये मानव इतिहास में पैसों के मामले में सबसे महंगी भूल होगी। 1867 में रसिया के राजा अलेक्जेंडर द्वितीय ने अलास्का को बस बर्फ से भरी जगह समझकर अमेरिका को मात्र 50 करोड़ रुपए में बेच दिया, और बाद में अमेरिका को वहाँ सोना और अन्य कई खनिज पदार्थ मिले जिससे उसकी कीमत हजारों गुना बढ़ गई और आज अलास्का की कुल कीमत 3 लाख करोड़ रुपए है। एप्पल कंपनी के स्टीव जॉब्स और स्टीव ओजबिन के बाद तीसरे फाउंडर रोन वायन ने 1976 में अपने पास मौजूद कंपनी के 10% शेयर्स मात्र $800 यानी कि ₹5,000 में बेच दिए थे। अगर आज वो शेयर्स उनके पास होते तो आज वो बाकी दो फाउंडर्स की तरह करोड़पति होते। रोन वायन आज 2 लाख करोड़ रुपए के मालिक होते। साल 2000 में थेम्स नदी पे एक ब्रिज बनाया गया था जिसे नाम दिया गया था द मिलेनियम ब्रिज। देखने में बेहद खूबसूरत इस ब्रिज का जब उद्घाटन किया गया तो उसे खोलने के 3 घंटे बाद इसे बंद कराना पड़ा क्योंकि लोगों की भारी आवाजाही से ये ब्रिज आगे पीछे हिल रहा था। इस कमी को दुरुस्त करने के लिए फिर से 40 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया जो बाद में तकरीबन 130 करोड़ रुपए पहुंच गया, इसीलिए इसे सबसे महंगी मानवीय गलती के लिस्ट में शामिल किया जाता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना न भूलें, और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।